नमस्कार दोस्तों, मैं नम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे ई लाभार्थी वेबसाइट से हमें कैसे लिस्ट डाउनलोड करना है उन बेनिफिशियरी का जिसका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि एक वीडियो जो भी है सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हम आगे। दोस्तों यहाँ पे हम गूगल क्रोम ओपन कर लिए हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा ई लाभार्थी। ठीक है, ई लाभार्थी सर्च करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ई लाभार्थी का फर्स्ट लिंक जो आप देख रहे होंगे इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका वेबसाइट जो वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ई लाभार्थी का वेबसाइट जो वो ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे एक नंबर का जो आप यहाँ पे लिंक देख रहे होंगे, लिंक वन, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा, आगे का इंटरफेस कुछ अलग होगा। तो आपके पास जो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों मेरा नेटवर्क जो वो थोड़ा स्लो है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंट्री रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, इस पे आपको कर्सर को ले जाना है। उसके बाद यहाँ आपको 7 नंबर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आधार जीवन प्रमाण पत्र ऑथेंटिकेशन एंड ऑनऑथेंटिकेशन बेनिफिशियरी लिस्ट। इस पर आपको सिंपल सा क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपसे यहाँ पे मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे डालना होता है। दोस्तों क्लिक जैसे कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें छेड़छाड़, केवल आपको यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, शो बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑल मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो वो ओपन हो जाएगा ओनली ऑन बिहार का। ठीक है, क्योंकि बिहार का ही है तो बिहार का ही होगा ना, बिहार सरकार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑल मतलब जो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट जो वो बिहार का यहाँ पे आ चुका है। इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरा ये है तो इस पर हम क्लिक किए हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जो क्या होगा कि मेरा ब्लॉक वो ओपन हो जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में जो। दोस्तों अगर आपका ओपन वहाँ से नहीं हो रहा है, जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको दोबारा क्लिक करना है शो वाले बटन पर, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक को चूज कर देना है। ब्लॉक चूज करने के बाद आपसे यहाँ पर पंचायत पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पंचायत आपका जो भी होगा उनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इस पंचायत में जो भी कैंडिडेट होगा जिसका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है, सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको चेक कैसे करना है किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। जैसे आप दोस्त देख सकते हो, उसका ऑथेंटिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी इसका नाम है उनको छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ इसका केवाईसी जो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसका अनऑथेंटिकेट लिखा हुआ है तो मतलब इसका केवाईसी जो वो नहीं हुआ है, इनका केवाईसी हमें करना है। अगर आप साइबर कैफे वाले हो तो इसको डायरेक्टली आप इसको कॉन्टैक्ट करके इसको बुला सकते हो अपने शॉप पर और इसका केवाईसी करके कुछ आमदनी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बहुत हैं, लगभग 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 में आपको मिल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ छूटा हुआ रहता है। तो इन सबको कॉन्टैक्ट कैसे करना है चलिए वो हम आपको बता देते हैं। इसका यहाँ से बेनिफिशियरी नंबर आपको कॉपी कर लेना है, वहाँ से जैसे आप आधार नंबर या अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी आईडी का 3 का ऑप्शन रहता है वहाँ पर डालने का, इसका जैसे ही ये डालोगे तो आप उसका कैंडिडेट का जो फ़ोन नंबर होगा वो वहाँ पर दिख जाता है, उस पर आपको मतलब कॉन्टैक्ट करके कस्टमर को बुला करके उसका काम कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एक अलग। ठीक है, तो आई होप सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। आ गया होगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आगे का वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं किसी लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।